Hello dear students, welcome back to our channel and today we will begin with a new topic that is lactic acid. Guys, do you know about lactic acid? No? So let's get started today's topic. Guys, lactic acid as name suggests, lac means milk. Lactic acid means एक milk से produce होने वाला जो acid बनता है उसको हम lactic acid कहते हैं. लैक्टिक एसिड जो होता है वाइट कलर में होता है, सॉलिड स्टेट में होता है और मिसिबल विथ वाटर, मीन्स वाटर में इजीली डिजॉल्व हो जाता है. गाइस, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होता है वो CH3CHOHCOOH होता है. मतलब कि इसमें अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक ग्रुप दोनों एडजेसेंट, मतलब बाजू बाजू में प्रेजेंट हैं और ये बॉन्ड के वजह से, अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक बॉन्ड जो बीच में बॉन्ड बने हैं, ये बॉन्ड के वजह से ये ज़्यादा एसिडिक हो चुका है. लाइक अगर एक हम एसिटिक एसिड से कंपेयर करें तो इसकी एसिडिटी ज़्यादा है, 10 times मोर देन एसिटिक एसिड. और इसको हम लैक्टिक एसिड को अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड भी बोलते हैं क्योंकि इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप और हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है दोनों बाजू बाजू में प्रेजेंट है, इसके वजह से इसको हम अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड बोलते हैं. अब अगर ये हम लैक्टिक एसिड देखें तो लैक्टिक एसिड का डिस्कवर कार्ल विलियम शील, एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको आइसोलेट किया था फर्स्ट टाइम फ्रॉम द सोर मिल्क इन 1780s में. गाइस, फिर आफ्टर दैट लुईस पाश्चर आए जिन्होंने फर्स्ट टाइम लैक्टिक एसिड का सिंथेसिस, मतलब प्रोडक्शन किया था लैक्टोबैसिलस से इन द ईयर ऑफ 1856 में. तो आफ्टर इनके डिस्कवर फिर इंडस्ट्रीज में लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन नॉर्मली होने लग गया था और ये इसका नेचुरल प्रोडक्शन भी होता है फ्रॉम मिल्क. और अगर हमारे मसल्स में जब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं या हमारा हाई मेटाबॉलिज्म रेट है तब भी लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन होता है. सो गाइज, माइक्रोबियल सिंथेसिस ऑफ लैक्टिक एसिड. सो आज हम एग्जाम्पल लेंगे लैक्टोबैसिलस के थ्रू लैक्टिक एसिड कैसे प्रोड्यूस होता है. तो गाइज, सिंपल प्रोसेस है कि ग्लूकोज जब नॉर्मल इनएक्टिव स्टेट में होता है, अब ग्लूकोज को एक्टिव करने के लिए फॉस्फोराइलेशन होता है. फॉस्फोराइलेशन मीन्स कि एक फॉस्फेट ग्रुप जाके ग्लूकोज को अटैच्ड हो जाता है और जिससे ग्लूकोज एक्टिव हो जाता है और ग्लूकोज का कन्वर्जन होता है फ्रुक्टोज डाइफॉस्फेट में. अब वहाँ पे फॉस्फोराइलेशन हुआ, इसके लिए एटीपी मतलब एनर्जी सोर्स यूज़ हुआ एक्टिव करने के लिए. इसके लिए टू एटीपी का कन्वर्जन, एटीपी का कन्वर्जन एडीपी में हो चुका है, मतलब एडीनोसिन ट्राइफॉस्फेट का कन्वर्जन एडीनोसिन डाइफॉस्फेट में हो चुका है. फ्रुक्टोज डाइफॉस्फेट से फिर टू ट्रायोस फॉस्फेट फॉर्म होता है और टू ट्रायोस फॉस्फेट से टू फॉस्फोग्लिसरिक एसिड प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है. जब टू ट्रायोस फॉस्फेट का कन्वर्जन टू फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में होता है वो टाइम पे क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स में से सिंपलर फॉर्म में कन्वर्जन हो रहा है, तो वहाँ पे एनर्जी सोर्स की ज़रूरत नहीं है. वहाँ पे क्या होता है फिर एडीपी से एटीपी फिर से जनरेट हो जाता है, मतलब फिर से वहाँ एनर्जी जनरेट हो जाती है. अब टू फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से फिर कन्वर्जन होता है टू पाइरूविक एसिड में. अब वहाँ पे भी सिंपल प्रोसेस है, इसके लिए टू एडीपी मींस एडीपी का कन्वर्जन एटीपी में होता है. लाइक वहाँ पे भी एनर्जी सोर्स जनरेट हो जाता है, एक एटीपी जनरेट हो जाता है. फिर पाइरूविक एसिड का कन्वर्जन लैक्टिक एसिड में होता है और वहाँ पे करने के लिए NADH2 का कन्वर्जन NAD में होता है. गाइस, ये इसका नॉर्मली प्रोसीजर है जहाँ पे लैक्टिक एसिड लैक्टोबैसिलस के थ्रू प्रोड्यूस होता है. नाउ वी विल मूव ऑन अनदर टॉपिक, एप्लीकेशन ऑफ लैक्टिक एसिड. नाउ लैक्टिक एसिड का कहाँ कहाँ यूज़ होता है, तो अब पहला है कि फार्मास्यूटिकल्स में होता है जहाँ पे एंटी ट्यूमर एक्टिविटी में यूज़ होता है, मतलब मेडिकल पर्पस में इसका यूज़ होता है. इट इज़ रिपोर्टेड दैट ये डर्मेटोलॉजिकल प्रॉब्लम में भी यूज़ होता है, जैसे कि वार्ट्स एक प्रॉब्लम होती है
वहाँ पे भी स्किन का प्रॉब्लम होता है, जहाँ पे लैक्टिक एसिड के थ्रू उसकी ट्रीटमेंट कराई जाती है। फिर लैक्टिक एसिड का यूज़ कॉस्मेटिक्स में होता है, लाइक जो भी पीएच रेगुलेटर्स है या मॉइस्चराइजर्स जितने भी होते हैं, स्किन वाइटनर्स जो होते हैं, एंटी एक्ने जो होते हैं, क्रीम्स होते हैं, ऑइंटमेंट होते हैं, वहाँ पे लैक्टिक एसिड का यूज़ होता है। एप्लीकेशन इन फूड इंडस्ट्रीज, फूड इंडस्ट्रीज़ में एज अ एसिडुलेंट यूज़ होता है, प्रिजर्वेटिव यूज़ होता है, पीएच रेगुलेटर भी एक तरह से, मतलब पीएच को मेंटेन करने के लिए लैक्टिक एसिड का यूज़ किया जाता है। इंडस्ट्री में इसका कहाँ कैसा यूज़ किया जाता है, तो इंडस्ट्रीज़ में इसका सर्जिकल, मतलब सर्जरी में यूज़ हो रहा है, ड्रग डिलीवरी सिस्टम में यूज़ होता है, और डिफरेंट डिफरेंट डीकैल्सिफिकेशन एप्लीकेशन में यूज़ हो रहा है, क्लीनिंग ऑफ टॉयलेट्स में, बाथरूम्स में इसको यूज़ करने के लिए लैक्टिक एसिड का यूज़ किया जाता है। फिर इसको इससे सर्टेन टाइप के डिटर्जेंट्स, पर्सनल केयर प्रोडक्ट, ये सब बनाए जाते हैं लैक्टिक एसिड से। तो गैस लैक्टिक एसिड का बहुत जगह पे यूजेस होता है, इसके लिए लैक्टिक एसिड का डिमांड ज़्यादा है इंडस्ट्रीज लेवल में। तो लैक्टिक एसिड, मतलब ऐसा सर्वे किया गया था 2006 में कि ग्लोबल प्रोडक्शन ऑफ लैक्टिक एसिड रीच 2,75,000 टन्स विथ एन एवरेज एनुअल ग्रोथ ऑफ 10%। सो गाइज, इसका अब मार्केट में हाई डिमांड तो है ही है, क्योंकि आजकल नॉर्मली सब मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रहे हैं, सब पर्सनल केयर्स यूज़ कर रहे हैं, डिटर्जेंट यूज़ हो रहा है, इसके लिए लैक्टिक एसिड का यूज़ अच्छा खासा है इंडस्ट्रीज लेवल में। तो दैट्स ऑल अबाउट दिस टॉपिक। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू सो मच गाइज, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट बिलो।